अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू कुकिंग विद सूफी अली। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट बर्फी, बिल्कुल रेस्टोरेंट हलवाई वाली स्टाइल, और बहुत ही इजी तरीका है ये और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको हमारी रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो हमारे पास ये मेजरमेंट मैंने किया है, 1 बाउल मैंने बटर लिया है। आप इसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें घी या बटर ही अच्छा लगता है। 1 बाउल हमने मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 बाउल मैंने मैदा लिया है, इसको आप बेसन से रिप्लेस कर सकते हैं, बट बेसन को आप रोस्ट करना पड़ेगा आपको। ये मैंने कोकोनट लिया है, तो ये शुगर है और फ्रेश मिल्क है। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं और बताते हैं आपको। ये देखिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बाउल कोकोनट पाउडर, इस तरह से 2 बाउल हो गया। और इसमें 1 और 2 बाउल ही शुगर जाएगी। ये सेम रहेगा इसका मेजरमेंट, ये 1/2 कप मैदा हो गया, 1 कप मिल्क पाउडर हो गया, और ये हम ये फ्रेश मिल्क डालेंगे 2 कप, 1 और 1 मोर, ये हमारा 2 कप फ्रेश मिल्क हो गया। और इसमें ये जाएगा सारा बटर। वैसे मैं घी भी डालती हूँ बट मैं इस बार बटर डाल रही हूँ। अब इसको हम सब अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं आपस में, इसमें कोई पानी नहीं पड़ता है, बस यही इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। चलिए गैस का फ्लेम ऑफ ऑन करते हैं, सॉरी, और ये लो मीडियम रखेंगे, लो मीडियम भी नहीं, लो रखेंगे। बस मेन प्रोसेस ये है, इसको आपको चलाते रहना है ये। और ये आप उसमें स्टील के पैन में तो बिल्कुल ना बनाएं, अगर आप बना रहे हैं तो इसको आप नॉन स्टिक में या फिर सिल्वर की कढ़ाई में बनाएं। तो इस तरह से आप इसको बस चलाते रहना है आपको, और मैं आपको बताती जाती हूँ आगे का प्रोसेस। बस सिंपल सी है, एकदम आसान सी रेसिपी है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे कुक करते हैं। ये देखिए थिक होने लगी है इस तरह से, ये इसको अभी पकाना है अच्छी तरह से, इसका कलर ब्राउनिश हो जाएगा, गोल्डन ब्राउनिश हो जाएगा, इतना हमें कुक करना है इसको, एकदम थिक करना है। ये देखिए देखिए इसको इस प्रोसेस से इस तरह से इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि नॉन स्टिक है तो ये घी की वजह से साइड से अपने आप छूट जाता, चिपकता नहीं है। सिल्वर में बनाएंगे हम, सिल्वर की कढ़ाई में, तो उसमें क्या होगा, ये चिपकेगा तो उसको साइड से छुड़ाना भी पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से इस प्रोसेस से इसे चलाते रहना है इस तरह से, जब तक के ये हार्ड ना हो जाए इस तरह से। मैं आपको आगे भी बताऊंगी कितना इसको रखना है, किस लेवल पे इसे छोड़ना है और जमा के कट करना है। देखिए हमारी बर्फी ने, ये देखिए स्वीट में सारा घी बाहर निकल गया है, सब घी छोड़ दिया है इसने। तो इस तरह से आप तकरीबन हमारी स्वीट रेडी ही होने वाली है, थोड़ी देर से और पकाते हैं। ये देखिए हमारी स्वीट रेडी है एकदम इस तरह से, देखिए ऑयल बिल्कुल, इसका घी सारा साइड हो गया है। अब हम इसको प्लेट में या फ्लोर पे अच्छी तरह से सेट करेंगे, फिर उसमें पीसेस कट करेंगे। फ्लोर पे इसलिए करना चाहिए, अगर आपका फ्लोर सही है उसे साफ कर लो अच्छी तरह से, क्लीन करके उस पर आप सेट करो तो पीसेस कट करने में बहुत ईजी रहता है। तो इस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये हो गया, अब हम इसके पीसेस कट करते हैं और इसे सेट कर। देखिए इस तरह से हम इसको बेलन से कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से थोड़ा ये सही हो जाए। इस तरह से इसको दबा दबा के इसे, इसके बहुत मोटे मोटे पीसेस नहीं कट करना है, पतले पतले ही कट करना है इस तरह से कर लेते हैं। चलिए पीसेस कट कर लेते हैं इसके तरह से, नहीं तो फिर ये हार्ड हो जाता है तो पीसेस नहीं कट होते इस तरह से। ये
देखिए सारे पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। अब इनको हम प्लेट करके आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारी जबरदस्ती कोकोनट मिल्क पाउडर बर्फी रेडी है, तो आप लोग जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।